बस्मीम्स रहनुमानक़ ब्रफ्तीश जुर्म कतल दौरान रहाजनी या डकेती नंबर एक क्या एफ़ आई आर दर्ज की गई है नंबर दो अगर एफ़ आई आर तखीर से दर्ज हुई तो उसकी वजह बयान की गई है नंबर तीन क्या मकतूल या मजरूब का नजायी बयान अगर हो हसबाबा तहरीर किया गया है नम्बर चार क्या नक्शा मौका नजरी बिला जय वकूआ तैयार किया गया है नंबर पाँच क्या जया वकुआ से मुतलिक जियो फेंसिंग अमल में लाई गई है नंबर छः क्या जय वकुआ की फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियो बनाई गई है और पी एफ एस ए पंजाब फ्रांसिक साइंस एजेंसी लाहौर को बरए तजिया भिजवाई गई है नंबर सात मुदई मुकदमा या शहदीन अगर कोई हो तो इन से मुलजमान के हलिया जात मालूम करके तस्वीरी खाके जारी करवाए गए हैं नंबर आठ क्या जय वकुआ पर आलाए कत्ल खाली खोल या जिंदा खोल बरामद होने की सूरत में इसको बाजरिया फ़र्द कब्जा पुलिस में लिया जा कर इसके ऊपर निशान हाय अंगोश्त हासिल करके फिंगरप्रिंट ब्यूरो पंजाब इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब लाहौर व दफ्तर नादरा भिजवाए गए हैं नंबर नौ नामालूम नाश की सूरत में मोतफी की उंगली के पोरे महफूज करवा कर फिंगर प्रिंट ब्यूरो पंजाब इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब भिजवाए गए हैं नंबर दस दौरान मुलाजा मौका जय वकुआ से बरामद मादी शहादत मसला खून मिट्टी खून आलूद खोल खा गोलियाँ सिगरेट के टुकड़े वगैरह और मुलजम की छोड़ी व गश्त अशिया बाजरिया फरदात कब्जा पुलिस में ली गईं नंबर ग्यारह क्या जय वकुआ पर फ्रांसिक टीम को तलब करके तमाम माद शहातों को इकट्ठा किया जा कर बर तजिया पी एफ एस ए पंजाब फ्रस एजेंसी भिजवाया गया नंबर बारह जय वकुआ या इसके अतराफ़ में सी सी टी वी कैमरा जात नस्ब होने की सूरत में फोटेज हासिल की जा कर तफ्तीश को यकसू किया गया नंबर तेरह क्या जया वकुआ का तयन वाज तौर पर किया गया मसला वकुआ रहाजनी या डकैती का इतक घर के अंदर शहरा बैंक के अंदर मार्केट में हुआ है नंबर चौदह अगर वकुआ राहज़नी या डकैती का अरतक मार्केट में हुआ है तो वहाँ तैनात प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड या अमला मुतलका अदारा या कंपनी के अफराद को शामिल तफ्तीश किया गया है नंबर पंद्रह क्या गान की शनाख्त परेड करवाई गई है और शनाख्त परेड की सूरत में नकल कार्रवाई शनाख्त परेड लफ है नम्... क्या मुलजम या मुलजमान की गिरफ्तारी पर हसूल रिमांड जिसमानी व हुक्म अदालत लफ रपोर्ट है नंबर सोलह इसी नौीय के तरीका है वारदात में सबका रिकार्ड याफ्ता मुलजमान को बातौर मुशतबागान शामिल तफ्तीश किया गया है नंबर सत्रह क्या दौरान तफ्तीश मकदूल के कवाफ सबका चलन किरदार सबका दुश्मनी कारोबारी रकाबत और मोहब्बत वगैरह के अवाल को मद्दनजर रखा जा कर तफ्तीश मुकदमा यकसू की गई है नंबर अठारह क्या सी आर ओ क्रैमिनल रिकॉर्ड ऑफिस जिला सी आर एम एस क्रैमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम से सबका रिकॉर्ड याफ्तागान के फोटो या मालूम हासिल करके गवाहान चश्मदीद मजरूबान को दिखाए गए ताकि शिनाख्त मुलजमान में मदद मिल सके नीज़ मुदई व गवाहान की मदद से मुलजमान के स्केच बनवाए गए नंबर उन्नीस असल वजह वकुआ या महरिकात कत्ल मसल तनाज़ जायदाद रंजश का दुश्मनी या कोई दीगर माकूल वजह का तयन किया गया है नंबर बीस क्या वकुआ की नोयत के मुताबिक तायदी मादी शहादत जमा की गई है नंबर इक्कीस क्या वकूा की इतला मसूल होने पर मुतलका सर्कल अफसर ने जय वकूा का मुआन किया और इस बाबत कोई हिदायती ज़मनी तहरीर की नंबर बाईस वकूवा में छीने गए माल का मोबाइल फ़ोन वगैरह के सी डी आर के असूल और ईमी की ट्रैकिंग के लिए तहारु किया गया नंबर तेईस क्या दौरान इंटेरोगेशन गवाहान चश्मदीद के बयानात, जेर दफ़ा एक सौ इकसठ जब्त फौजदारी कलाबंद करते वक्त मुलजमान के हुलिये चेहरों के खदोख़ाल कोई निशान जखम, सेहत शुदा काबिल शनाख्त निशान का जिक्र हो तो क्या उसे बयान में दर्ज किया गया बालोंगा स्टाइल चेहरे का रंग काद जसामत तक कलम दौरान गुफ्तु वगैरह भी तहरीर किया गया नंबर चौबीस क्या नकल बरामदगी फरदात लफ रिपोर्ट की गई हैं नंबर पच्चीस क्या नक्शा जात जाए बरामदगी लफ रिपोर्ट किए गए हैं नंबर छब्बीस क्या बाद अज बरामदगी माल मशरूका फ़र्द शनाख्त माल लफ रिपोर्ट हाजा है नंबर 27 क्या सर्टिफिकेट शनाख्त मुलजमान रिपोर्ट किए गए हैं नंबर अट्ठाईस क्या मुकदमे का चलान मुरतब करने से पहले मुतलका सर्कल अफसर की जानब से तस्दीक की ज़िमनी तहरीर की गई है